फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा का रविवार को निधन हो गया। वो 80 साल के थे। डेंगू से पीड़ित यश 9 दिन से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थे। उनके परिवार में पत्नी पामिला चोपड़ा, बेटा आदित्य और उदय हैं। 27 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के लाहौर में जन्मे चोपड़ा ने हाल ही में अपना 80वां जन्मदिन मनाया था और शाहरुख खान को एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म निर्देशक के रूप में जब तक है जान उनकी आखिरी फिल्म है, इसके बाद वो फिल्मों का निर्देशन नहीं करेंगे। यश चोपड़ा ने कई बेहतरीन और हिट फिल्में दी। यश चोपड़ा का परिवार चाहता था कि वो इंजीनियर बने और लंदन जाने के लिए उनका पासपोर्ट भी तैयार हो चुका था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था और वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ गए। निर्देशक के रूप में यश चोपड़ा की पहली फिल्म थी 1959 में आई धूल का फूल। इसके बाद उन्होंने 1965 की वक्त बनाई जो सुपरहिट रही। ये बॉलीवुड की पहली मल्टी स्टारर फिल्म थी। 1973 में यशराज फिल्म प्रोडक्शन शुरू हुआ और तब उसके बैनर तले बनी पहली फिल्म दाग। इसके बाद 1975 में दीवार, 1976 में कभी कभी, 1978 में त्रिशूल, 1981 में सिलसिला, 1984 में मशाल, 1988 में विजय, 1989 में चांदनी, 1991 में लम्हे, 1993 में डर, 1997 में दिल तो पागल है और 2004 में वीर साराई। जबकि यश की फिल्म जब तक है जान दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। बॉलीवुड के महानतम फिल्मकारों में से एक यश चोपड़ा ने 5 दशक से ज्यादा समय तक राज किया। उन्होंने 50 से ज्यादा फिल्में बनाई और उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। इनमें 6 राष्ट्रीय पुरस्कार, 11 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। यश चोपड़ा को भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया, जबकि हिंदी फिल्मों में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2005 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।